वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आरिफ बोल रहा हूँ, मैं जलगांव से। जलगांव से कौन? आरिफ बोल रहा हूँ। आरिफ, आरिफ साहब। जी जी बोलिए। अभी गोदान में आपको मिला था। अच्छा अच्छा, जी जी फरमाइए। ये हमारे जाकिर भाई है। हाँ यानी वो कह रहे हैं कि जो मुंतखब हदीस है वो इन्होंने लिखी है, मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह। मुंतखब अहादीस मौलाना यूसुफ साहब ने लिखी है। हाँ। तो कहाँ है जाकिर भाई, ये बात करो। हाँ जी। अच्छा, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जाकिर भाई बोलिए, क्या कहते हैं भाई? हमारी आरिफ देखिए, हमारी डिस्कस चल रही है। हाँ हाँ। मौलाना यूसुफ साहब मतलब ने लिखी हुई है। हाँ। और मौलाना साहब साथ ने दी है। हाँ हाँ हाँ। ये मौलाना यूसुफ साहब ने लिखी। मौलाना यूसुफ साहब का 1965 में इंतकाल हो गया, जब साद 6 महीने का था शायद। हेलो। तो जमात का आपकी उम्र कितनी हुई? मेरी 45 है। 45? 40। तो मतलब आपको जो दावत का काम मिला होगा वो मौलाना इनामुल हक साहब के जमाने में ही मिला होगा। जी जी जी, है ना, क्योंकि आप तो उसी जमाने में पैदा ही उसी जमाने हुए। आप 79 या 78 में पैदा हुए होंगे। तो दावत का काम मतलब इसका मतलब ये कि धोखेबाजों के हाथ में था इतने दिन। आपको जो दावत का काम मिला वो हाजी अब्दुल वहाब साहब, आप समझे, मुफ्ती जैनुल आबिदीन साहब, मियाँ जी महराज साहब, आप समझे कि नहीं, मौलाना इब्राहिम साहब, मौलाना अहमद लाड साहब, ये खुर्शीद साहब वगैरह जो हैं हमारे बड़े हजरात, नजरुर रहमान साहब, ये लोग सब धोखेबाज लोग थे जो इतने साल से दावत के काम को चला रहे थे। और अपने इस जमाने के इतने बड़े आलिम मौलाना यूसुफ साहब, जिनकी हयातु साहबा को भी इन्होंने नहीं छुपाया, बल्कि इन्होंने सबको तरगीब दी कि भाई आपको दावत के काम के साथियों को हयातु साहबा पढ़नी चाहिए। हयातु साहबा की तालीम इन हजरात ने शुरू करवाई। तो वही लोगों ने मुंतखबा हदीस छुपा दी उम्मत से, यही हुआ ना इसका मतलब? तो नहीं भाई, वो लोग, वो हजरत, मैं वही कह रहा, वो किताब होती उस जमाने में तो वो हजरत और मौलाना यूसुफ साहब चाहते तो किसी खत में लिख के जाते, किसी अपने साथी को वसीयत करके जाते। इतने बड़े प्रोफेसर सनाउल्ला साहब वगैरह हैं हमारे हजरत हैं, ये गुजरात के अंदर में पढ़ी जाती है, बाकी पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया के अंदर पढ़ी। अभी तो मदीना में सिनेमा भी खोले तो उसकी दलील नहीं है ना कि मदीना में, क्योंकि गुजरात में पढ़ी जाती, नहीं पढ़ी, कहीं पढ़ी जाती है वो तो। अलिफ लैला भी पढ़ी जाती है दुनिया में, लैला मजनू भी पढ़ी जाती है। वो कौन सी है? नहीं नहीं भाई, पढ़ी, मैं क्या कहता हूँ सुनो तो सही, पढ़ी जाती बराबर ना। तो ये दलील नहीं है उसकी कि, मैं ये कह रहा हूँ इनमें से जो बुजुर्ग मौलाना यूसुफ, जब साध पैदा नहीं हुआ था तब सारे बुजुर्ग थे, उन्होंने हयातु साहबा भी चलाई, तो मुंतखब क्यों नहीं चलाई? मौलाना यूसुफ साहब की भी कोई बयान नहीं मिलता है ऐसा, उनके किसी साथी का बयान नहीं मिलता है कि मुंतखब पढ़ाना चलाना। हाँ, बल्कि पड़ोस मुल्क के उलमा, 6 उलमा जिनका अभी के, ये तो हमने लिखी है, ये बयान है उनका, पड़ोस मुल्क के 6 उलमा वो कह रहे कि हमारी लिखी हुई है ये किताब। मौलाना यूसुफ साहब के 4-5 वर्क थे जिसमें, जैसे कि मैं, मेरी अहलिया को हमने लिख के दिए हैं, 6 सिफात की हदीस लिख के दिए। मैं 4 महीने जमात में गया था तो हमारे साथियों को मैंने वो 10-10 अहादीस, क्योंकि 4 महीने का वक्फा था तो हर नंबर के 10 हदीस, यानी कितनी हो गई, 70 हदीस, और लायनी बात की 6 हदीस, तो एक जगह मैंने लिख के दी थी, उनको तो सबने जेरोक्स करा के उसमें से याद कर रहे थे। तो ये इस तरह का चंद अहादीस लिखी हुई थी जिसका नाम भी मुंतखब अहादीस नहीं था।
आप समझे। तो अब मौलाना यूसुफ साहब ने लिखी, इसके कोई शरई गवाह तो होने चाहिए ना। बाकी पड़ोस मुल्क के 6 उलमा ये कह रहे कि हमने लिखी है, और पूरा पड़ोस किस जगह कौन से मदरसे में लिखी गई, कितने वक्फे में लिखी गई, आप समझे भाई, समझे आप ये बात है। और सुनो बड़े ध्यान से, बहुत कीमती बात बता रहा हूं। सहाबा सारे के सारे आलिम नहीं थे, 1 लाख 1.25 लाख जो जो भी सहाबा थे कमोबेश, उसमें से आलिम ग्रेड के 130 ही उलमा थे। हर सहाबी अपनी जरूरत का दीन तो जानता था, लेकिन फकी ही जिसको कहा जाए 130 के करीब उलमा थे जो दीन के माहिर हों। हदीस हदीस ये आवाम के लिए फितने की चीज है, जैसे बंदर के हाथ तलवार बहुत फायदे की चीज है, लेकिन बंदर के हाथ में आ जाए तो। बुखारी शरीफ जो है उसमें 7,563 ऐसी कुछ अहादीस हैं, जिसमें से रिपीटेड हदीस निकाल दी जाए तो 4,500 के करीब अहादीस बचती हैं। तो उस हदीस को समझाने के लिए हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी लिखी, 30 पारे लिखे, कितने 25 साल लगे। तो ये हदीस आवाम के हाथ में पकड़ा देने से क्या होता है, जाहिल के बंदर के हाथ में तलवार आएगी तो क्या होगा, तलवार है तो फायदे की चीज, लेकिन बंदर के हाथ में आएगी तो अरे क्या होगा। हाँ हाँ छोटी मोटी नहीं हो, बड़ी हद। अरे भाई हदीस समझने मैं क्या कहता हूँ, कुरान कुरान की तफसीर, कुरान का तर्जुमा नहीं नहीं है ना भाई, सीधा वही तो। हाँ 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 कुरान की तफसीर, कुरान की तफसीर आपने फजाइल अमल की तालीम तो सुनी होगी ना। हाँ समझाया है, खाली आयतें नहीं लिखी है, क्योंकि समझना हर एक के बस की बात नहीं है। हजरत शेख ने लिखा है कि 16 इल्म चाहिए, कितने कितने इल्म चाहिए, 15 इल्म चाहिए कुरान का। हाँ 15 इल्म और 16वीं अकल, 15 इल्म भी आ जाए और अकल ना हो तो भी तकलीफ। फिर साद की तरह कहेगा कि हमारा ईमान जो है फरिश्तों से, सहाबा से और नबियों से भी अफजल है, हदीस साद की तरह कहेगा जाहिल। और हम तो समझते हैं अबू बकर से भी अफजल नहीं है हमारा, आप समझ गए। तो ये बुखारी शरीफ जब अहले हदीसों के हाथ में आई और कहा इमामों की क्या जरूरत है हदीस समझने के लिए, डायरेक्ट हदीस और डायरेक्ट कुरान लो, तो 150 फिरके बन गए इनके, कितने। तो मुंतखब अहादीस जैसी किताब जिसमें सिर्फ अहादीस हो और एक लल्लू पंजू को दे दी जाए, समझ में आया, जिसको पूछो कि रईसुत तफसीर कौन से सहाबी हैं, मुत्तबी सुन्नत कौन से सहाबी हैं, कुरान को किस सहाबी ने जमा किया, तो वो भी पता नहीं। तो अब ये अहादीस अवाम के हाथ में आ जाएगी, जिस तबलीग वालों को, हम तबलीग वालों को खुद का फिरका भी नहीं मालूम कि क्या नाम है, तो क्या होगा, 100 साल तबलीग चलने के बाद इल्म न होने के जैसे नतीजा ये निकला कि साध जैसा जाहिल जो कहता है अल्लाह के हाथ में हिदायत नहीं है, वो अच्छा लगता है लोगों को, आप समझे। साध कहता है कि बगैर दावत का काम किए मस्जिद बना दो, मदरसा बना दो, कोई भी खैर का काम कबूल नहीं है, ऐसा जाहिल अच्छा लगता है। तो 100 साल तबलीग का काम चलने के बाद भी हमारी इल्मी सतह ऐसी है कि ऐसी जाहिलाना बातें जो बिल्कुल समझ में नहीं आती हैं। तो कुरान और हदीस जब आवाम के हाथ में मुंतखब अहादीस दे दी जाएगी, एक आपको मालूम है फजाइल सदकात में एक एक हदीस, कुछ कुछ अहादीस ऐसी है जिसको समझाने के लिए 32 32 पेज भर के लिखा है, आपको पता है। जैसे कि कयामत के दिन 5 सवाल होंगे, माँ इल्म कहाँ से कमाया, इल्म इल्म पे क्या अमल किया, इल्म कहाँ, इल्म कितना सीखा, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, और जवानी कहाँ खर्च की, उम्र, ये है ना, उसको 32 पेज, कितने पेज में, एक ही हदीस है बस खत्म, 5 सवाल होंगे लेकिन उसको समझाने के लिए 32 वर्क लगे हैं, कितने।
32 वर्ष। अल्लाह के नबी अलैहि सलातो सलाम ने उम्र भर में अपनी वफात तक कभी भी पेट भर के नहीं खाया, बस हदीस खत्म हो गई। लेकिन इस हदीस को 8 या 10 पेज में हजरत शेख ने समझाया कि कब खाना, कितना खाना, किसके लिए। तो अब मुंतखब हदीस जब आवाम के हाथ में पकड़ा देंगे और नीचे हदीस से क्या चाहा जा रहा है नहीं, तो क्या हाल होगा? तो हमारी आवाम का तो यह हाल है, 100 साल तबलीग में जुड़ने के बाद, आप समझ रहे ना, साध जैसा जाहिल अच्छा लग रहा है। तो जिसके हाथ में हदीस आ जाए क्या होगा? अरे हदीस भाई अगर मौलाना यूसुफ साहब ने लिखी है, आप सुनो। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल, आखिरी आखिरी जवाब दे दूं आपको जाकिर भाई, बदगुमानी किसको कहते हैं? कोई भी ईमान वाला हो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको जाकिर भाई इसका भी जवाब देता था, मेरे प्यारे भाई आप समझदार हो, इसलिए आपको सुनो, आपके जरिए से पूरी तबलीगी। हाँ हाँ, अहमद रजा को सुनो सुनो, बड़े ध्यान से सुनो इस बात को, ये हमारे ये तबलीगी हमारे जितने हैं ना भाई, ये सब कहते हैं बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। सही बात है, कुरान भी कहता है इज्तनीबू कसीरम, कुरान की आयत है कि बदगुमानी से बचो। सही बात है, लेकिन आपको मालूम बदगुमान सुनो, अरे भाई जाकिर भाई पूरी बात सुनो ना यार, इतनी अच्छे से सुने, बदगुमानी किसको कहते हैं? कि किसी को शराब खाने के बाद से गुजरते हुए देखा, सिनेमा हॉल से गुजरते हुए देखा, लेकिन सिनेमा हॉल से निकलते हुए नहीं देखा है, शराब खाने में शराब पीते हुए नहीं देखा है, तो उसको शराबी नहीं मानेंगे, उसको सिनेमा में नहीं मानेंगे। लेकिन किसी को शराब पीते हुए देख लिया, अब बदगुमानी कर रहे, जूस पी रहा होगा, ये बदगुमान, ये बेवकूफी है। तो बदगुमानी उसको कहते हैं कि जब गुमान का मतलब होता है सोच, आप समझ रहे हैं, ये अंदाजे पे मबनी, हमें कुछ पता नहीं है तब अच्छी चीज सोचने की, लेकिन जब पता चल गया कि ये आदमी झूठी हदीस से ही बयान करता है, अब इसके बारे में बदगुमानी न करना है बेवकूफी है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब बुराई होते हुए देखो तो उसको क्या करो, हाथ से रोको। तो साध ने तो ये लिखी नहीं है और इसके ऊपर अपना नाम क्यों चढ़ा दिया? चलो मौलाना यूसुफ साहब ने लिखी है, तुमने उसको देखी है, उसको उनका मौलाना यूसुफ साहब का नाम है ना उसमें नीचे। हाँ, लेकिन साध का क्यों है? साध का क्यों है और मौलाना यूसुफ साहब का क्यों है? अरे प्यारे आप मतलब समझने, मसला ये है कि आपने ठान लिए, मैं कह रहा हूँ पड़ोस मुल्क के 6 उलमा ने लिखी है, वो छाती ठोक के कह रहे कि हमने लिखी है, उनके भी ऑडियो मौजूद हैं, कोई माइका लाल नहीं कह सकता कि यूसुफ साहब ने लिखी हो, और लिखी भी हो तो अहादीस आवाम के लिए काम की नहीं है, समझ में आया? चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हम एक ही मोहल्ले में। हाँ हाँ, अब हम थोड़ा सा आपको मुलाकात में जाओगे तो ये लोग ऐसे लोग मिलते हैं बहस करते। अरे भाई अब वो तो देखिए असल क्या है, तबलीग में हमारे अब्दुल्ला भाई भिवंडी वाले से मुलाकात हुई थी, कह रहे कि 100 साल के बाद, 100 साल के बाद हमको नरी जिहालत मिली है। क्या है कि भाई हजरत हजरत ने कह दिया तो फाइनल। मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहि रहमान ने लिखा है कि कोई आदमी किसी शख्स के बारे में ये सोचता है कि इन्होंने कह दिया तो इनकी बात आंखें बंद करके मान लो, तो ये नबूवत में शिर्क कर रहा है। दुनिया में एक ही आदमी, एक ही शख्सियत ऐसी जिसकी बातें आंखें बंद करके मानी जाए, वो नबी अलैहि सलातु सलाम है। उसके अलावा इमाम मालिक का कौल है कि इस साहिबे कबर के अलावा, यानी जो कबर साहिबे कबर है, जो कबर में सोई, यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, इनके अलावा किसी की भी बात कबूल भी की जा सकती है, रद्द भी की जा सकती है। अब ये इल्म 100 साल में सीखे नहीं भाई, मौलाना साद साहब ने कह दिया तो ये तो नबूवत में शिर्क है कि साद कहे कि हमारा ईमान अंबिया से अच्छा तो भी मान लेंगे, साद कहे के इतने बड़े काम के लिए झूठ बोल सकते तो भी मान लेंगे, साद कहे के मस्जिद जिरार मुसलमानों ने बनाई भले कुरान कुछ हो तो हम मान लेंगे, तो ये जिहालत मिली हमको।
और हमें ये भी जिहालत मिली है कि हर एक से मोहब्बत से बात करो, बदगुमानी। अरे भाई मोहब्बत नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्से के भी बाब है। उसके ऊपर मुस्तकिल मैं इंशाल्लाह अभी उसी में रिसर्च में लगा हुआ हूँ, कुरान और हदीस की रोशनी में। मेरे पे भी बड़े एतराज होते हैं कि यूसुफ भाई तुम बहुत तलखी से बात करते हो अपने ईमान की फिक्र। मैंने कहा तुम अपने ईमान की फिक्र करो कि तुम्हारी माँ को कोई गाली देता है, तुम्हारे बाप को कोई गाली देता है, तुम्हारे खानदान को कोई बुरा कहता है तो तुमको गुस्सा आ जाता है। और यहाँ नबी की निस्बत झूठ बोला जा रहा, अल्लाह के नबी के दीन को बदल दिया जा रहा, उम्मत के अंदर नया फिरका बना जा रहा, तुमको गुस्सा नहीं आ रहा। तो बस अल्लाह हिफाजत करे, हमारा काम है कहना और बात पहुंचाना, बाकी हिदायत तो अल्लाह देगा भाई, ठीक है ना। ये हमारे इलाके में वापसी आए थे भी पिछले हफ्ते, हाँ हाँ, हाँ जी, पूरे गुजरात में वाले वहाँ पे बोले वापसी में भी बोले मुद्दा का वजह दिखी नहीं बोले, हाँ है ना। मैं बोला भैया तू कोई का मेंढा गए अभी तुझे कुछ, मेरे घर पे मेरे घर में मुंतकवा हदीस, तो उससे क्या लेना देना। तो इससे क्या भाई, मैं साथ साहब को बहुत मानता था तो क्या भाई, बहुत सारे लोगों ने हमारी ऑडियो सुन के साथ साहब के मसले में तौबा कर ली। हाँ तो अल्लाह के नबी और अल्लाह और उसके रसूल की बात से जिसकी बात मेल खाएगी उसके हम हैं, और जिसकी मेल नहीं खाएगी तो हम उसके नहीं है ना। अच्छा पिछले हफ्ते में चीनी लगाने के लिए पाचोला गए थे, हाँ, तो पाचोला गए तो वहाँ के जो लोग हैं सब साथियाँ, हाँ,